नमस्कार मित्रों, मैं हूं जीएस गोड और आज मैं लेकर आया हूं नेट जेआरएफ का एक नया टॉपिक नारीवाद। ये टॉपिक आईएएस का टॉपिक भी है, कॉलेज लेक्चरर का भी है। और आइए शुरुआत करते हैं फेमिनिज्म की। यदि आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि इसमें लगातार टॉपिक अपलोड होते रहते हैं। फेमिनिज्म की यदि हम बात करें तो 1970 के दशक में यह आंदोलन हमारे सामने है। सबसे पहले इसकी थीम क्या है, किस आधार पर ये आया, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। नारीवाद जो है, इसे हम नारी मुक्तिवाद भी कह सकते हैं, क्योंकि नारियां जो पुरुष की प्रताड़ना से प्रताड़ित हुई है या परेशान है, वो अपने आप को इन पुरुष प्रधान समाज में अपने अधिकारों के लिए या फिर अपनी स्वतंत्रता के लिए ये जो है अपने आप को मुक्त करवाना चाहती है इस पुरुष प्रधान समाज से। तो ये नारीवाद की थीम है। इसकी मुख्य मान्यता ये है कि समाज में लिंग के आधार पर शक्ति का विशेष प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है और परिवार में या फिर समाज में पुरुषों की भूमिका बहुत ज्यादा रही है। तो यह उसी को कहता है कि अब तक लिंग के आधार पर शक्ति का विस्तृत प्रयोग किया गया है और शक्ति के विश्लेषण के संदर्भ में इस दृष्टिकोण को लिंग परिप्रेक्ष्य में या लिंग परिप्रेक्ष्य की संज्ञा दी जाती है। यह सिद्धांत पितृ तंत्र जो पेट्रियार्की को समाज व्यवस्था का प्रधान लक्षण मानता है, ये मानता है कि जो समाज है वो पितृ प्रधान है, पुरुष प्रधान है, और ये पुरुष प्रधान समाज के प्रति नारी मुक्तिवाद या नारीवाद है, ये उसके विरोध का शंखनाद है। इसमें जो निहित नारीवाद में जो निहित विचार है, ये 1969 में न्यूयॉर्क रेड स्टॉकिंग्स घोषणा पत्र आया था, उसके अंदर इसको सशक्त अभिव्यक्ति पहली बार प्रदान की गई। और इसके अंदर कहा गया कि सदियों से स्त्री है वो एक उत्पीड़क वर्ग रही है, नारी जो है उसका उत्पीड़न है वो सर्वव्यापक रहा है, और नारी के प्रत्येक पक्ष को ये प्रभावित करता है। प्रत्येक पक्ष का यह अर्थ है कि सार्वजनिक जीवन में तो पुरुष प्रधान है ही, नारियों के व्यक्तिगत जीवन में भी पुरुष की प्रधानता सर्वव्यापक। पुरुष केवल बाहर ही नहीं बल्कि घर में भी अपनी प्रधानता रखते हैं, नितांत व्यक्तिगत जीवन के अंदर भी पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है। यानी यहां नारियां ये कहना चाहती है कि पुरुषों को आर्थिक क्षेत्र में परिवार की जो आय है उस पर पुरुषों का हक रहता है, मनोवैज्ञानिक यानी जो पुरुष कहता है उस बात को ज्यादा मानी जाती है, बल्कि इससे आगे बढ़कर ये कहा गया है कि नितांत व्यक्तिगत जीवन में यानी यौन संबंधों के मामले में भी पुरुष की प्रधानता बताई गई है। तो हर प्रकार से पुरुषों ने नारियों का उत्पीड़न किया है। तो नारीवाद ये कहता है कि ये स्त्रियों का एक ऐसा समूह है जिसके हित पुरुषों के विपरीत है, क्योंकि विश्व में आधी नारियां, हमने आधा आसमान उठा रखा है अपने सर पर, हम बराबर के भागीदार है, तो फिर हमें समानता का अधिकार मिलना चाहिए और हमें पुरुष के बराबर सारे अधिकार और स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो समस्त नारियां वो एक भगिनी समाज है, एक सिस्टरहुड है, और ये जो आंदोलन है वो नारियों को संगठित होने की प्रेरणा प्रदान करता है। और प्रेरणा प्रदान करते समय ये कहता है कि ये जो संगठित समाज है वो वर्ग और प्रजाति से बाहर होगा, यानी यहां अमीर गरीब, धनवान निर्धन, उच्च जाति नीची जाति, कैसी भी महिला हो, वहां ये मैटर नहीं है, बस वर्ग से बाहर हो, प्रजाति से बाहर हो, और उन सबका एक पुरुषों के विरुद्ध के अंदर इस समाज को स्वतंत्र कराने के लिए, इस वर्ग को स्वतंत्र कराने के लिए हमें एक एकजुट स्त्रियों को हो जाना चाहिए और अपनी मुक्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए। आगे नारीवाद यह कहता है कि ये जो नारीवाद है वो स्वयं एक राजनीति की नई परिभाषा को गठन करने की बात करता है। इसका दावा है कि पुरुष की शक्ति केवल सार्वजनिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पुरुष की शक्ति है वो जीवन के अतरंग यानी व्यक्तिगत, नितांत व्यक्तिगत, जैसे कि मैंने पहले कहा, यौन संबंधों तक उसकी शक्ति
स्त्री को प्रभावित करती है, वहां तक स्त्री की मनमानी नहीं चलती है, वहां भी पुरुष की मनमानी चलती है। तो मतलब यह कि पितृतंत्रीय प्रभुत्व केवल स्त्रियों के सार्वजनिक जीवन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि उनके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित करता है, वहां भी पुरुषों का आधिपत्य होता है। तो नारीवाद यह मांग करता है कि जीवन के जिन क्षेत्रों को व्यक्तिगत माना जाता है अब तक, उन क्षेत्रों को व्यक्तिगत नहीं माना जाए, जिनको व्यक्तिगत मानकर राजनीति के दायरों से बाहर रखा गया है। लोग ये बात करते हैं कि नहीं, ये चीज तो हमारा व्यक्तिगत मामला है, इसको हम इस पर बात नहीं कर सकते, या इस पर लोगों को कोई मतलब नहीं है। तो नारीवाद ये कहता है कि नहीं, ये व्यक्तिगत मानकर आप अब तक जो राजनीति से इसको बाहर रख रहे थे, उसको अब राजनीतिक प्रकृति की मान्यता देनी चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए, उस पर यह माना जाना चाहिए कि यहां जो पुरुषों की शक्ति है उसको चुनौती दी जाए। जैसे हेरियट मार्टिनी, उन्होंने 1837 में एक बात कही थी कि यदि सभ्यता की सही सही परख करनी हो तो समाज के उस आधे हिस्से की हालत पर विचार करना चाहिए जिस पर दूसरा हिस्सा अदम्य शक्ति का प्रयोग करता है। तो अर्थ के रूप में, संक्षेप रूप में हम ये कह सकते हैं कि नारीवाद पुरुष के मुकाबले उसकी जो स्थिति है, उसकी जो भूमिका है, उसका जो अधिकार है, उससे यह आंदोलन गहरा नाता रखता है। नारी की प्राधीनता और नारी के प्रति होने वाले अन्याय पर यह ध्यान केंद्रित करता है और किस प्रकार से इस अन्याय को मिटाया जाए, इस प्रकार से ये प्रतिकारों के उपाय पर विचार करता है। नारीवाद यह दावा करता है कि अतीत में और वर्तमान समाज में स्त्रियों के कारण स्त्रियों को अन्याय सहन करना पड़ा है और आज भी उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो इस क्रम में जो मुख्य मुद्दे रहे हैं नारीवाद के, वो ये रहे हैं कि एक तो स्त्री के मानव अधिकारों के सामान्य श्रेणी में उनको मान्यता दी जाए, दूसरा संपूर्ण सामाजिक जीवन में स्त्री और पुरुष की समानता को स्वीकार किया जाए, और तीसरा है स्त्री को परंपरागत जो प्राधीनता चली आ रही है उससे मुक्ति प्रदान की जाए, स्त्रीत्व की परिभाषा का नया गठन की जाए, नई परिभाषा का गठन किया जाए। एंजेला ग्रिके यहां कहती है, मैं केवल मानव अधिकारों को मान्यता देती हूं, अन्य किसी तरह के अधिकारों को मान्यता नहीं देती, मैं पुरुषों के अधिकार और स्त्रियों के अधिकारों के बारे में कुछ भी नहीं जानती। 1836 में इन्होंने एंजेला ग्रिके ने कहा था। तो फिर नारीवाद का उदय, यानी हमने ये धारणा जान ली कि लोगों की सोच कैसी थी, स्त्रियों की सोच कैसी थी, तो इस नारीवाद का उदय हुआ 1970 के दशक में। और ये क्यों हुआ, धारणा अपन ने देख ली, लेकिन अगर प्राचीन समय में यदि चले तो यूनान काल से यदि देखा जाए, भारतीय काल से यदि देखा जाए, तो प्लेटो की बात कर लेते हैं। प्लेटो ने स्त्री और पुरुष की समानता की बात करी है। प्लेटो ने संरक्षक वर्ग के अंतर्गत स्त्री और पुरुष की समानता स्वीकारी थी, लेकिन उसके बाद उनके जो शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने स्त्रियों को दास वर्ग में रख दिया, यानी उन स्त्रियों की हीन स्थिति रख दी। भारतीय जो ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें एक जगह ये कहा जाता है कि जहां नारियां पूजी जाती है वहां देवता रमते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहां ये कहा जाता है कि नारी स्वतंत्र रहने के योग्य नहीं है, विरोधाभास बातें उसमें सामने आती है। तो यानी प्राचीन काल से ही, उसके बाद में जेएस मिल आए थे जिन्होंने नारी अपना एक पुस्तक लिखी थी सब्जेक्शन ऑफ वीमन, स्त्रियों की पराधीनता 1869 में। तो उन्होंने उसमें नारी की समानता की बात करी थी और उन्होंने ये कहा था कि विवाह वाला जो कानून है उसमें सुधार होना चाहिए, स्त्रियों को मताधिकार मिलना चाहिए और सुयोग्य और प्रतिभाशाली जो स्त्रियां हैं उनको पुरुषों के बराबर अधिकार मिलनी चाहिए, ऐसा जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा। और उसी समय उनसे थोड़ा सा पहले जो मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट आई थी, उनने अपनी एक कृति लिखी थी, उनकी चर्चित कृति थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, नारी अधिकारों का औचित्य 1793 में। उसमें उन्होंने स्त्रियों की कानूनी, राजनीतिक और शैक्षिक क्षेत्रों में समानता देने की बात की थी। मेरी वुलस्टोनक्राफ्ट विस्तृत रूप से क्या कहती है, ये मेरे पिछले वीडियो में मैंने विस्तृत रूप से इनका एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें पूरा बता रखा है, उसको आप जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर इसके बाद में मार्क्सवाद आया, मार्क्सवाद जो समाजवाद भी लेके आया, उन्होंने स्त्री और पुरुष की
जो समानता थी या परस्पर संबंध थे उनमें गहरी दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने लिखा कि परिवार संस्था श्रम विभाजन का सामान्य स्रोत है, क्योंकि परिवार में पुरुष भार कमाता है, स्त्री घर का कार्य करती है, तो यानी श्रम का विभाजन हो रखा। और पुरुष जिसको उन्होंने बुर्जुआ वर्ग की संख्या दी और स्त्री जिनको उन्होंने सर्वहारा वर्ग की संख्या दी। और उन्होंने ये कहा कि जब पूंजीवाद का अंत हो जाएगा, जब साम्यवाद आ जाएगा, तब ये जो परिवारवाद है, स्त्रियां चूल्हे चौके से मुक्त हो जाएगी, क्योंकि उनका जो निजी कार्य है उनको सार्वजनिक क्षेत्र में दे दिया जाएगा और स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सार्वजनिक क्षेत्र में वो कार्य कर सकेगी जो पुरुष करते हैं। तो इस प्रकार स्त्रियां सार्वजनिक जीवन में पुरुष से कंधा मिलाकर कार्य करेगी। तो यहां तक स्त्रियों की बात चली, लेकिन 1970 में जो जागरूक महिलाएं थी उन्होंने ये देखा कि मताधिकार भी दे दिया गया है, उदारवाद और समाजवाद में बहुत सारी बातें कही गई है, लेकिन उस इतनी सजगता के बावजूद स्त्रियों के लिए उनकी पराधीनता का अंत करने के लिए कोई विशेष कार्य नहीं हो रहा है, ठोस प्रगति नहीं हो रही है। तो उन्होंने इस आंदोलन को गति प्रदान की और यहीं से नारीवाद 1970 में आया। मोटे तौर पर इस आंदोलन की तीन मुख्य धारा को यदि हम बात करें तो तीन मुख्य धारा है। एक तो उदार नारीवाद, लिबरल फेमिनिज्म, दूसरा समाजवादी नारीवाद, सोशलिस्ट फेमिनिज्म, और तीसरा है आमूल परिवर्तनवादी नारीवाद, यानी रेडिकल फेमिनिज्म। उदारवाद जिनमें स्त्रियों की दशा को सुधारा गया, समाजवाद जिसमें काफी कुछ परिवर्तन की बात की गई, और आमूल परिवर्तन पाल रेडिकल परिवर्तन यानी कंप्लीट परिवर्तन, इस तरह की बात इसमें की। कौन कौन इनमें शामिल है, कौन कौन से विचारक है, इनकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम उदार नारीवाद, समाजवादी नारीवाद और आमूल परिवर्तन नारीवाद की विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।